कहते हैं कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो फिर कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन माँ की ममता में कितना प्यार होता है इसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा में देखने के लिए मिला, या ये कह लीजिए कुदरत का करिश्मा। दरअसल एक बच्चे की मौत हो गई और बच्चे की माँ रोती रही, बिलखती रही और बार बार कहती रही कि उठ जा बेटा, उठ जा, जिसके बाद बच्चे की सांसें चलने लगी। ये पूरा मामला हरियाणा के बहादुरगढ़ का है, जहां 20 दिन पहले एक दंपत्ति के 6 साल के बेटे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद परिवार बच्चे के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन मां की ममता ऐसी थी कि वो अपने बेटे का सर चूमती रही और कहती रही उठ जा मेरे बच्चे, उठ जा। उस हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ उन्होंने बोला, करते करते कभी बोले वो 10% है, 15% है, 20% होगी, ऐसे करते करते उसकी मतलब जीवन दान भगवान ने भी और मतलब लोगों की दुआओं से वो ठीक होता चला गया। अपना 15 दिन तो रहा ही है, वो 15वें दिन वापस आया है वो यहाँ पे। माँ की आवाज सुनकर बच्चे के शरीर में थोड़ी हरकत होने लगी, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चला और मंगलवार को बच्चा हंसते खेलते हुए अपने घर वापस आ गया। जैसे उसमें जो जान डली, सांस आई, माउथ टू माउथ देने के बाद, आप लोगों को कैसे पता चला कि सांस बची है? वो मेरी बहू रानी ने बताया ना, घर बहू रानी ने बताया ना, अनु अनु बहू है हमारी, उसने बताया, उसने उसने ऐसे टच किया ना, उसके ऐसे धड़कन पता लगी उसको कि फैल रही है, फिर बड़ा उस मान नहीं रहा कोई उसकी बात, लेकिन जब दोबारा किया तो बाकी में असर हो गया। बच्चे के माता पिता ने बताया कि उसे टाइफाइड हो गया था, जिसके बाद दिल्ली के एक अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था और 26 मई को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद परिवार और मोहल्ले में मातम पसर गया था। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले जब बच्चे के शरीर में कुछ हरकत हुई तो उसे फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके 15% बचने की ही आशंका जताई थी। धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा और पूरी तरह ठीक होकर वापस अपने घर आ गया। वहीं बच्चे के वापस घर लौट आने के बाद से घर में खुशी का माहौल है। जिस तरह से बच्चा मौत के मुंह से वापस आया, उसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।